जो तुम ना मेरी बाहों में मैं। तो ओके गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के स्टेटस वाली वीडियो को कैसे बना सकते हो। तो गैस, अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। गैस, ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में। तो गैस, आपको काइन मास्टर ऐप की जरूरत पड़ेगी, और आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यही वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। ओके गैस, उसके बाद गैस आपको क्या करना है, काइन मास्टर में आ जाना है। बट उससे पहले अभी तक इस वीडियो को एक लाइक दिया तो एक लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है यार। सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को आप देख पाओ। ओके गाइस, तो जैसे आप काइन मास्टर में आओगे उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस के आइकन में यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला साइज को, बीच वाले साइज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे उसको सिलेक्ट कर लोगे, फिर से आपको मीडिया पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और एक वाइट कलर का बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर से इसका लेंथ एंड तक कर देना है यहाँ तक, और जितना आप सेकंड रखना चाहते हो अपने वीडियो का लेंथ उतना रख लेना। ओके गाइस, लेंथ रखने के बाद फिर से आपको क्या करना है, लेयर क्लिक करना है और मीडियम क्लिक करना है, और एक इफेक्ट वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको डायरेक्टली यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद इसको रोटेट करना है, और रोटेट करना है इसको इस प्रकार से। आपको रोटेट करने के बाद यहाँ जो आपको दिखाई देगा कलर फिल्टर, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ये वाला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस पर क्लिक कर देना है। सो इस पर क्लिक करना। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने जो आपने इफेक्ट को लिया था उसको यहाँ से इसका जो साइज़ है बढ़ा देना है अपने हिसाब से। तो यहाँ से आपको यहाँ जो दिखाई देगा यहाँ पे गैप आपको छोड़ना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको गैप छोड़ना है कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार साइज भी बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो गाइस, एडजस्ट करने के बाद आपको क्या, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको अपने नाम लिख देना। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। तो गाइस, यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो गाइस जैसे आप टेक्स्ट को लिख लोगे उसके बाद करना है आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और कलर पे क्लिक करना है, और इसका जो कलर है ब्लैक कर देना। ओके गाइस, ब्लैक करने के बाद आपको फिर से ए पे क्लिक करना है, मतलब फोन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एंड्रॉइड दिखा देगा इस पर क्लिक करना है, और नीचे ना यहाँ पे आपको देखा जाएगा रोबोटो ब्लैक, इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, आप लोग देख सकते हो। फिर से इसको रोटेट करना है इस प्रकार से, रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसको ऐड कर देना। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, आप लोग देख सकते हो। ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, इसका जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नीचे आना साइड, उसको ऑफ कर देना है। जब साइड ऑफ करेगा कुछ इस प्रकार से इसका साइज बढ़ा देना है, और साइज बढ़ाने के बाद कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, और इसको यहाँ से एंटर कर देना है इसका लेंथ। ओके, तो यहाँ से इसका लेंथ मैं एंटर कर देता हूँ, और कुछ इस प्रकार बन चुकी आप लोग देख सकते हो। उसका क्या करना है, इसको शेयर करके और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, एक्सपोर्ट करने के बाद तो गाइस जैसे आपका ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा, बैक आ जाना है आपको, फिर से बैक आ जाना। ओके, फिर से काइन मास्टर के यहाँ पर होम स्क्रीन आ जाना है, होम स्क्रीन पे फिर से आपको प्लस का कैन पे क्लिक करना है, और बीच वाले साइज को सेलेक्ट करना है। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेटिंग, सेटिंग क्लिक करना है, एडिटिंग भी क्लिक करना है, और आपको जो फिल स्क्रीन दिखाई देगा इस पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको मीडिया क्लिक करना है, और जो भी आपका इमेज है अपनी इमेज को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपनी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जितना मेरी इमेज है। तो गाइस, मैंने अपना इमेज को सेलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी इमेज का जो लेंथ है इस हिसाब से रख देना है, 2 से 1 सेकंड और 2 सेकंड के आसपास रख देना। ओके गाइस, तो गाइस छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन पे क्लिक करना है, और आपको ये वाला डाउनलोड करना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और आपके पास नहीं है तो आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट्स लिक, इस पर मतलब ये वाला डाउनलोड कर लेना है आपको। यहाँ पे गेट मोड जैसे क्लिक करोगे तो आप ये डाउनलोड कर पाओगे। ओके गाइस, आराम से अपने इंटरनेट को ऑन करके। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ सब में, कुछ इस प्रकार से आपको सब में ऐड कर लेना है, जितना भी आपका ट्रांजिशन है उसमें ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैंने ऐड कर लिया, आप लोग देखते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, और जिस वीडियो को भी आपने एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ से ऐड कर लेना है। जैसे ऐड करोगे इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करना है, उसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसको यहाँ से स्क्रीन कर देना है। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन हो गया, आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो इस प्रकार की वीडियो बनी है, आप लोग देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो आपका इमेज है सबका विग्नेट जो है ऑन कर देना है। तो यहाँ से विग्नेट को ऑन कर देना सब इमेज का। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से विग्नेट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ से इसको ऑन कर देना। तो गाइस, मैंने कुछ कम फोटो यूज़ किए हैं, और आप और भी ज़्यादा फोटो यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, और एक इफेक्ट को यहाँ से ऐड कर लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, मैंने इस इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है कुछ इस प्रकार से,
और रोटेट करने के बाद इस प्रकार से साइज बनाना है। साइज बनाने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट करना है कोई इस प्रकार से। इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसको स्क्रीन कर देना है। अब आप लोग देख सकते हो इस प्रकार की वीडियो बनी है, आप लोग देख सकते हो। इस इफेक्ट को आप जहाँ पे रखना चाहते हो वहाँ पे एडजस्ट कर लेना कुछ इस प्रकार से। तो अब मैंने एडजस्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और 720p और 30fps अपने वीडियो को सपोर्ट करना है। तो कैसे आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एक चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम।